तो गाइस हम केलोंग नहीं गए किसी रीजन की वजह से, क्योंकि लेट हो रहे थे, रात भी काफी हो रही थी, और हमने वहां से लोकल से पूछा, उन्होंने कहा कि केलोंग में कुछ देखने जैसे है नहीं, तो हमने रिस्क नहीं लिया और हम यहाँ पे आए हैं। आप लोकेशन देख सकते हो कितनी अल्टीमेट लोकेशन है, और यहाँ पे जो येलो ट्रीज हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने को। बाकी आप देख सकते हो व्यू पीछे का, यहाँ पे सभी लोग रुककर फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी अपनी फ़ोटो क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इसका एक सिनेमैटिक शॉट। तो कुछ टाइम हम इस प्लेस की ब्यूटी को एंजॉय करके और कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके हम आगे निकले अपने डेस्टिनेशन सिसु वाटरफॉल की ओर। तो सिसु वाटरफॉल सिसु विलेज के बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो इस प्लेस को देखकर यही लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी टूरिस्ट का मनपसंद डेस्टिनेशन बन चुका है। तो सिसु वाटरफॉल का मैं बता दूँ तो सिसु वाटरफॉल सिसु में विलेज में स्थित एक वाटरफॉल है जो कि काफ़ी ऊँचे से बहता है, तो इसका अलग से ट्रैक भी है, तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो गाइड लेकर जा सकते हो। तो इसके साथ ही आपको एक हेलीपैड भी है और एक लेक भी है छोटी सी। तो चलिए देखते हैं सिसु वाटरफॉल और हेलीपैड। गाइस इस टाइम मैं हूँ सिसु के पास, एक हेलीपैड है वहाँ पे हूँ, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर और काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रखे हैं, और पीछे कुछ खाने पीने की जगह भी बनाई गई है, और यहाँ पे आगे गिटार बजाया जा रहा है और क्रिकेट भी खेल रहे हैं लोग। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। और अभी टाइम होने वाला है, 5 बज चुके हैं, और 5 बजे कुछ ऐसा है, मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाता हूँ। और ये जो पीछे है आप देख सकते हो, जहाँ पे मेरी ये उंगल है वहाँ पे ये वाटरफॉल है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये वाटरफॉल ऊपर से काफ़ी अच्छा लग रहा है बहता हुआ, और मैं कुछ व्यू की बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ, व्यू भी अल्टीमेट है, एक नंबर व्यू है। और ये पीछे म्यूजिक बजा रहे हैं, आप सुन सकते हो, और इस जगह को बाय करने का टाइम आ गया है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, देख सकते हो, और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, काफ़ी इंजॉयमेंट हो रही है, और काफ़ी ठंड भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो चलिए अब चलते हैं वापस अटल टनल की ओर, फिर अटल टनल क्रॉस करके फिर हमें ओल्ड मनाली भी जाना है, जहाँ पर हमारा होटल है। तो सुन सकते हो पीछे, कुछ टाइम इस जगह पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से वापस निकले मनाली की ओर। तो मैं सच कहूँ तो इस प्लेस की ब्यूटी को देखकर मेरा मनाली जाने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था यहीं पे रह लूँ, लेकिन मजबूरी थी, जाना पड़ना था। तो चलिए करते हैं अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू। इधर है वाटरफॉल और ये है वाटर क्रॉसिंग, देख सकते हो वाटर क्रॉसिंग, अभी खतरनाक है वाटर क्रॉसिंग, अब देख सकते हो। हम 6 बजे तक अटल टनल पहुंच गए थे और अंधेरा भी होने वाला था। तो गाइस मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप एक ही दिन में मनाली से केलोंग या केलोंग से मनाली वापसी एक दिन में अप डाउन कर रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि आप अटल टनल को रात को 9 बजे से पहले पहले क्रॉस कर लो, क्योंकि अटल टनल रात को 9 बजे तक ही ओपन होती है और उसके बाद बंद हो जाती है, तो अगले दिन ही खुलेगी। तो यही है कि आप अगर एक दिन में अप डाउन कर रहे हो तो आप केलोंग से मनाली 9 बजे से पहले पहले पहुँच जाओ।
खा के कैसे लगते हैं।